राम राम भाई, सारे भाइयों ने। तो भाइयों, आज आप ही बात करांगे विश्व का सबसे बड़ा औखा के बारे में। तो भाइयों, क्या आप जानते हैं हरियाणा में है विश्व का सबसे बड़ा औखा? तो दोस्तों, आज आपको बताते हैं हरियाणा के सबसे बड़े औखे के बारे में। ये औखा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को साल 2005 में यह औखा दान में मिला था। हरियाणा के जिला सोनीपत गांव गोवाणा निवासी 65 वर्षीय सावित्री मलिक ने इस औखे को दान में विश्वविद्यालय को दिया था। लोग बताते हैं कि इस औके को सावित्री मलिक ने अपने मायके से अपने ससुर के लिए लाया गया था। साल 2005 से इस औके को संभाल कर रखा गया है। कुरुक्षेत्र में आने वाले पर्यटक इस औके को देखना नहीं भूलते। लगभग 100 साल पुराने इस औके की और कई खासियत हैं। बताया गया है कि इसमें 1 किलो तमाकू यानी एक पात एक ही बार में डाला जाता है। साथ ही इसमें एक बार में 32 लीटर पानी डाला जाता है। इसमें एक साथ 2 लोग औका पी सकते हैं। यहाँ तक कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल जैसी शख्सियत इसमें कस लगा चुकी हैं। खापों की पंचायतें हो या बड़ी राजनीतिक रैलियाँ, एक लंबे वक्त तक ये औका भी उसमें पहुँचता रहता था। खाप पंचायतों के कई फैसलों का गवाह बना यह औका 1979 में चौधरी चरण सिंह जब पीएम बने तो दिल्ली में हुई विजय रैली में देश भर से किसान पहुंचे थे। इन किसानों के बीच यह उक्का रखा गया था जिसे स्वयं चरण सिंह ने पिया था। ठीक इसी तरह हरियाणा के किसानों की दूसरी विजय रैली 1990 में देवीलाल की डिप्टी पीएम बनने पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहुंची थी। उस वक्त भी ये उक्का वहां था। यही नहीं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जब जब खापों की बड़ी पंचायतें हुई हैं, यह उक्का वहां फैसलों का गवाह बना है। धन्यवाद दोस्तों, बढ़िया लागे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा होता कर दियो। घुमाइए ना, पहला भोले का भगत एक यारी यारा का, छाती के मैं दिल मेरा दिल करी यारा का, काले कुर्ते पजामे आले काले कारनामे बाकी साफ दिल।